नमस्कार आपण देखुछन्ती अर्गस न्यूज बारवाटी धौली एक्सप्रेस को स्वागत करूछु माथुरी प्रथम हेडलाइंस भय बढ़ाइलाने डिसेंबर मासर द्वितीय सप्ताह रे द्वितीय पर्याय संक्रमण आशंका सबरे आशा देखाइला आइफर वैक्सीन व्यवहार कले कमुछे 82% कोरोना कोरोना स्थिति ने विशेषज्ञों का सूचना मनुष्य शरीर रोग प्रतिषेधक शक्ति पाई कोरोना भल होती लोके 18-35 वर्ष लोकों मध्य बढ़ुचे संक्रमण राजधानी में ह्रास पाँच कोरोना संक्रमण भुवनेश्वर 68 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट क्वारंटाइन 14 स्थानीय संक्रमित 54 राजधानी में मोट संक्रमितों संख्या 29522 को वृद्धि मोट 115 जन मृत्यु कटक शेष होगा प्रथम पर्याय सर सर्भे तीन दिन मध्य आसव रिपोर्ट लोकों पाखे रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि सह गोष्ठी संक्रमण संपर्क में जमापड़ स्टाटस एकम्र कारण जंगल जमी अधिग्रहण प्रसंग हाइकोर्ट में रुजु है जनस्वार्थ मामला समाजसेवी जयंती दासों पक्ष मामला दायर मुख्य शासन सचिवों 8 जन पक्ष राजधानी में कलाकार प्रतिपाद यात्रा मंच और भजन परेषण लगी सरकार अनुमति देवा दावी पीएमजी छक धारणा सह विक्षोभ कटक सरकारी सहायता दावी कले मेलोडी कलाकार पखे आसुचे आलोकर पर्व दीपावली चलित बर्ष हे सबुज दीपावली दीपावली रे कोरोना योद्धा को मन पकाइबे लोके वायु प्रदूषण नहेबाने खुशी व्यक्त कले परेषविद व्यवसाय ठप को नहीं चिंतार बाण व्यवसाय एवं दृढ़ इच्छा शक्ति आगे हार मानि अक्षमता माटीर सुंदर सामग्री निर्माण कर स्वावलंबी होती भुवनेश्वर दुई भौणी परिवार चलाइबा सह अन्यमानंक पाई पलटिछन्ति उदाहरण आसिया संपूर्ण खबर को शीत दिन में संक्रमण बढ़िया भयर लोके आशा देखा मेडिसिन आइफर वैक्सीन प्रोफिलाक्सिस जहाँ दुई डोज रे कमुचे 82% संक्रमण सेपटे कोरोनार सेकेंड वेव ट्रेंड को नहीं सतर्क सरकार आशा देखाइला आइवरमेक्टिन प्रोफिलाक्सिन 73% कोविड संक्रमण कमाउची मेडिसिन एम्स भुवनेश्वर गवेषणार मिला तथ्य शीत दिने संक्रमण बढ़िबो बोली आकलन करुछन्ति विशेषज्ञ किंतु एहारे भितरे एक भल खबर है आइवरमेक्टिन प्रोफिलाक्सिन दुई डोज नेबा कमुची 73% कोविड संक्रमण 72 घंटे थरे मेडिसिन रो गोटे डोज नेले कोविड रोगी लाभदायक होछि सेप्टेम्बर 20 अक्टोबर 19 मध्य होता गवेषणु कोविड चिकित्सार नुआ दिग जमापड़ पूर्व कोरोना संक्रमण कमाइबा को डाक्टर आईसीएमआर गाइडलाइन अनुसार हाइड्रोक्लोरोक्विन विटामिन सी भली मेडिसिन व्यवहार करने को परामर्श देउछन्ति वर्तमान आइवरमेक्टिन आसवा परे या सुरक्षित बोली कहउछन्ति डाक्टर तीन चार कारण से कौन शीत दिन गोटे सेकेंड पिक आस प्रथम है शीत दिन आम जो रेस्पिरेटरी भाइराल इनफेक्शन अन्य जो भाइराल इनफेक्शन फ्लू हो इनफ्लुएंजा हो कमन कोल्ड हो से भाइराल इनफेक्शन शीत दिन टी अधिक हुए जेहतु गोटे रिलेटेड भाइरस गोटे तेणु यहाँ भी एक्सपेक्ट कर एक्सपर्ट मैंने भी शीत दिन टी अधिक हम डिसेंबर मासरे कोरोना संक्रमण बढ़िपे आशंका करिछन्ति विशेषज्ञ शीतदिने वायरल इन्फेक्शन द्वारा संक्रमण वृद्धि आशंका करा जाउछि शीतदिने वायु प्रदूषण कारण कोरोना संक्रमण मात्रा वृद्धि पाइपे द्वितीय संक्रमण रे भाइरस रे एक नुआ स्ट्रेन सामना को आसिछि जहाँ पूर्व अपेक्षा अधिक क्षतिकारक पूर्व भाइरस द्वारा 2-3 जन संक्रमित होउथिले नुआ स्ट्रेन रे 6-7 जन संक्रमित होउछन्ते एई स्ट्रेन यूरोप अमेरिका रे परिलक्षित होउछि आम देश रे वर्तमान पर्यंत यहाँ परिलक्षित होइना ही तेणु आमको सतर्क रहबा को पड़िबो बोली कहिछन्ति डाक्टर से भाइरस जो स्ट्रेन पर्टिकुलरली D614G ना कौन एमती से स्ट्रेनटा मोर एक्जाक्टली मन पड़ने से देखा चाहिए मोर इनफेक्सीयस मैंने धरत आगर गोटे भाइरस दुई जन को तीन जन लोक ट्रांसमिट होता जनक देहर एवं से अधिका लोक 5-6 जन को ट्रांसमिट हो जाए तेणु गोटे रोगर गोटे रोगी अधिका लोक ट्रांसमिट होवार संभावना आसी किंतु लिथालिटी मान तार डेथर रेट अधिका नहीं अन्य भाइरस वाला से अधिक लिथाल भाइरस नुहे किंतु इजिली ट्रांसमिसिबल भाइरस से जो स्ट्रेनटा बर्तन रामपेंट हो जाए यूरोप आ यूएस आम इंडिया स्टडी विषय में मोदी धारणा ना किसी पाइन भी जो थे कि लिखाई इंडिया भी से स्ट्रेनटा अच्छी कि स्ट्रेनटाई बर्तन यूरोप आ अमेरिका जो स्पाइक होती बेसी लोक से नुआ स्ट्रेनटाई
ଡିସେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହେବା ସହ ସରକାର ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା କରୋନା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗୁଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। कोरोना मुकाबला नहीं राज्य सरकार का प्रेस मीट, कोविड परवर्ती स्थिति को नहीं परामर्श। परामर्श देले किम्स इम्यूनोलोजी विभाग का प्रोफेसर रामरतन मिश्रा। शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति और कोरोनार संपर्क को नहीं परामर्श। शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति दुई प्रकार, कोरोना आक्रांत मध्य 5-6% लोकों पाखे लक्षण देखाई था। जन्म होगा समय आम पाखे एक रोग प्रतिरोधक शक्ति रही है, अन्य एक रोग प्रतिरोधक शक्ति क्रमे सृष्टि होता है। मास्क पिंधा सह सामाजिक दूरता पालन करिबा जरूरी। इम्यूनिटी बा रोग प्रतिरोध शक्ति आम संसार जो जन्म नौ से आम शरीर अच्छी आज आम जो अवस्था अच्छा से आम रोग प्रतिरोध शक्ति वरिष्ठ माने उपयुक्त अच्छी बोली आम बचीचु। एटा दुई प्रकार, गोटे हूँ आम इनेट इम्यूनिटी कहती, इनेट माने जोटा ऑलरेडी शरीर में अच्छी जन्मगत, आ गोटे अच्छी अडाप्टिव। अडाप्टिव माने शरीर में एमती शक्ति अच्छी आम जेतेबेले जो कीटाणु बा जीवाणु शरीर भितर पशिबो सी जो प्रकार से प्रकार प्रतिरोध शक्ति तैयारी करा जाए। ए प्रतिरोध शक्ति दी प्रकार से जोड़ा अडाप्टिव इम्यूनिटी मु कहली, गोटे सेल बा जो रक्तर कणिका अच्छी से माने करती लिम्फोसाइट कहती, आउ से लिम्फोसाइट छोट छोट मॉलिक्यूल तैयारी करे एंटीबॉडी कहती, बड़ा विचक्षण ये शरीर विचित्र ये शरीर आम प्राय आम को जीवन भितरे 10 लक्ष कि ताठु बेसी जीवाणु आमको आक्रमण करी पारंती, माने आम जो जाऊँ तो चारिआड़े जीवाणु अच्छा, किंतु आम जो सुस्थ अच्छु से शरीर भितर जमी से जीवाणु जीव ताकु तत्क्षणात रोकिया पाई बॉडी सेल्स अच्छी, जदि से कौन से मत बेसी दिन रहिला ताले बॉडी एंटीबॉडी आउ सेल माध्यम रे ताकु तार मारी दिए। राजधानी में ह्रास पाउछे कोरोना संक्रमण, आज भुवनेश्वर आउ 68 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। चिन्हट संक्रमित क्वारंटाइन में 14 जन रही बेले 54 जन होती स्थानीय संक्रमित। एथसहित राजधानी में मोट आक्रांतों संख्या 29522 पहुंची बेले 115 जन आरोग्य लाभ करते। भुवनेश्वर महानगर निगम पक्ष सूचना मिली राजधानी में वर्तमान सुधा 931 आक्टिव केस रही बेले 28395 जन सुस्थ हो घर को फेरी, 175 जन कोरोना रे मृत्यु होई छे। एने भुवनेश्वर महानगर निगम पक्ष सूचना दिया जाय छे। गत 2 तारीखर कटक आरंभ होता सीरो सर्वे प्रक्रिया आज शेष होती। आज शेष दिन में कोरोना सहित सीधा सड़क संस्पर्श आसुवा वर्गर लोकों सीरो सर्वे लगे रक्त नमूना संग्रह करा। महानगर निगम कर्मचारी समेत अन्य वर्गर कर्मचारी शहीद भवन में नमूना संग्रह करोदे खोद सीएमसी कमिशनर अनन्या दास सीरो सर्वे प्रक्रिय सामिल होता देखा मिलता। आज शेष होगापर आसंता 3 दिन मध्य सर्वे रिपोर्ट आसमान रिपोर्ट आसवापर कटक सहर से केते लोकों पाखे रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि पाइबा सहित गोष्ठी संक्रमण हो ना से बाबदे स्टाटस जमापड़। टेस्ट तो निहाती गुरुत्वपूर्ण, कहीं आम हजार हजार लोकों संगे प्रतिदिन मिशुचु, तेणु सब जगह को विभिन्न प्रकार जगह को जाऊँ, स्लम को जाऊँ, विभिन्न बस्ती विभिन्न गली गंदी साई सबुआ बुलूँ,
टेस्ट निहाती हम पई गुरुत्वपूर्ण आपण माने जानिथिबे जेतेले हमरो लॉकडाउन थिला सेतेबेले गवर्नमेंट ऑफिसेस रे सब को ऑफिस खुला रहू न रहू सीएमसी रो खोलिबाटा अनिवार्य थिला तो 50% स्टाफ केतेबेले 30% स्टाफ रे हमको काम करिया को पडिछे समस्त कंट्रीब्यूट करि परिबे नाही तो से जिनसटा चैलेंजिंग थिला देन एबे सिचुएशन जेहेतु टिके टिके नॉर्मल होउछि द पीपल आर अवेयर हम पाखरे से इंफ्रास्ट्रक्चर से एस्टैब्लिशमेंट से प्रिपेरेशन रहिछि जे हमें पीक हेले भी हमें से जिनसटा को सस्टेन करि परिबा तो सेथिपई से प्रिपेरेशन एबे जेहेतु फ्रंटलाइन वर्कर सीएमसी की हमरो अदर हेल्थ ऑफिशियल डॉक्टर्स द पैरामेडिक्स मैंने समस्ते अच्छा तो तांकपाई एंटीबॉडी सर्वे टा हे गले से मनरे जो डर की भय अच्छी सेटा दूर हो पारिबो। नूतन कृषि बिल को विरोध करी रास्ता कोल्हैला नवनिर्माण कृषक संगठन ए बिल द्वारा चासी हाथरु जमी हो एमएसपी रो आधार को छड़े दिया चोथबा अभिजो कइछे से परे एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट को उठाई तबा द्वारा 10 टंकार प्याज को 90 टंकार किणा चोथबा अभिजो करिछे कृषक संगठन रिलीफ कोड संशोधन सह बन्या और बात्यार क्षतिग्रस्त चासी को 15,000 टंका क्षतिपूरण देवा संगठन आवाहक अक्षय कुमार दावी करिछते जदि दावी पूरण न हुए 3 मास परे 10 लाख चासी रास्ता को ओल्हैबे बोली चेतावनी देछते। तो केंद्रीय कृषि नीति को विरोध करी एवं रिलीफ कोड संशोधन दावी रे ये जो दरदाम बढ़ुची आर विरोध करी आज पूरा भारत रे जो चासी संगठन मिसिक बंद डाकरा दे समर्थन करी नवनिर्माण कृषक संगठन आज राजरास्ता को ओल्हौ चक्का जाम को समर्थन करी राजरास्ता को ओल्हौ कटक नियाली कंटापड़ा ब्लॉक रे व्यापक अनियमितता और दुर्नीति को प्रतिवाद करिछि बीजेपी। बीजेपी नेता छबि मल्लिक नेतृत्व में एक टीम आज जिलापा भेटि 14 दफा दाबी नहीं दाबीपत्र प्रदान करा मुख्य दाबी हो गोविंदपुर ग्राम पंचायत डरटपड़ा ग्राम सामल साहि आम गांव विकास कार्य भागवत कोठाघर निर्माण कर दलित लोक चंचकता बिल पेमेंट कर ग्राम्य परिम योजन शौचालय निर्माण होता दर्शाई लक्ष लक्ष टा प्रशासनिक अधिकारी बिल करी टंका आत्मसात करितबा अभिजोग होइछि पंचायत मानकरे प्रधानमंत्री आवास योजना रे व्यापक दलीय भितिरे घर दिया जायतबा अभिजोग करिछि बीजेपी ए सबुर तदंत दाबी करबा पई जिलापालंकु दाबीपत्र प्रदान करा जायछि जदि आसंता 15 तारिख भितरे तदंत करबाकु निर्देश न दियते तबे 16 तारिख दिन ब्लॉक ऑफिस सम्मुखरे अनसनरे बसिबे बोली बीजेपी नेता छबि मल्लिक कहिछन्ते। प्रशासन ब्लॉक प्रशासन और शासक दलर कार्यकर्ता मैंने मिसिक जिनस कर चाहे जो कार्य को दिगला दुई दुई डिस्मिल जमी ठाकुर ना करागला तापर कार्य आरंभ होला प्लिंथ है प्लिंथ पेमेंट भी दिगला किंतु प्लिंथ ऊपर को जो छात कराला जो घर करागला से वर्तमान टाड़ोल नीति में कौन पेमेंट दि जा पारना आम मैंने जो सामल साहर भाई मैंने जा ब्लॉक प्रशासन को जन कलेक्टर को भी देते पीडिंग को भी समस्त को देते देलापर भी से पेमेंट करूना कितु आम मानक कहार कथा होदि प्लीज फाउंडेसन जोड़ा मूल दुआ सेटार जब पेमेंट करा जाए पारिला से गोचर नुह ताले छात आई कलम स्ट्रक्चर जोड़ा तैयारी से किभली भाव में गोचर है तेणु ताकू निरपेक्ष भाव तदंत कर उपयुक्त दंड विधान कर जो माने कार्यर संपृक्त अछंती समस्त को दोषी सब्यस्त करा जाउ। आसे परवर्ती खबर को कोरोना छड़ाई नेला आउ जने युव सांबादिक को मात्र 35 वर्ष वयस रे परलोक रे प्रवीर प्रधान सांबादिक भापरे राज्य तथा जिला स्तर रे अनेक सम्मान पाइछंती से 4 दिन धरी चिकित्सित हेबा परे आज भुवनेश्वर रे तांकर देहांत होइछे। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ହରାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତରେ ଏ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆରପାରିରେ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ଦୁନିଆରେ ଜଣାଶୁଣା ନା। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଥର ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। क्राइम रिपोर्टर भावरे से अनेक अनुसंधानमूलक खबर प्रसारण करी चर्चा रे रही थिले। से 27 तारीख में कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइथिले। तांको स्वास्थ्यावस्था अधिक गंभीर हेबारो
ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ହାରିଗଲେ। ପ୍ରବୀରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଭଳି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସାନ ଭାଇ ଭଳି ସେ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ କରିଛି। କ୍ରାଇମ୍ ବିଟ୍ରେ ପୁଲିସ ବିଭାଗର ଜଣେ ପିଲା, ତେଣୁ ସେ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ଯେତିକି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଛି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେହିଭଳି ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ବହୁତ କାମ ସମୟ ଆମକୁ ସେୟାର କରିଛି। 34 ବର୍ଷ ବୟସ, କ୍ୟାରିୟର ଏକଦମ ହାଏଷ୍ଟ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହାଇଲି ପପୁଲାର, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅତି ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଏ ପିଲାଟା। ସେ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଏଇ 34 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହଠାତ୍ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଫେର ପୁଅ ଚାଲିଗଲା, ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପୋଲିସ ସେବା ଭବନରେ ଶୋକସଭା, ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ରେଖା ଲୋହାନୀ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ DCP ସୌମ୍ୟା ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ପ୍ରବୀରଙ୍କ ସହ କିଛି ସ୍ମୃତି ବଖାଣିଥିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଓ ସହକର୍ମୀ। ବୟସ ବୋଧେ 35 ପାଖାପାଖି ହେବ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଖବର ମୋତେ କାଲିଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତବ୍ଧ ଆଉ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଏଠି ଜଏନ୍ କରିବା ପରଠାରୁ ସବୁବେଳେ ତା ସହିତ ଯେତେଥର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ର ଏବଂ ଗୋଟେ ମାନବିକତା ସାଥିରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେବା ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ପ୍ରବୀର, ଆଉ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଯିବା ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା। ସେପଟେ ଆଜି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗରରେ ପ୍ରବୀରଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କଳାକାର ରୋଜଗାର ଫେରାଇଥିବା ଦାବିରେ ମଞ୍ଚ, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭଜନ କଳାକାରଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ। 8 ମାସ ହେଲା କରୋନା ପାଇଁ ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ଥିବା ଯୋଗୁଁ କଳାକାରମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମଞ୍ଚ ଫେରାଇଥିବା ଦାବିରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରତିବାଦ, ରାଜଧାନୀରେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ସରକାର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। PMG ଛକରେ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କଳାକାର ଏକାଠି ହୋଇ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ହେଲା ମଞ୍ଚ, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଫଳରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି କଳାକାର। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣକୁ କାହିଁକି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କଳାକାରମାନେ। ତେବେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଖୋଲାଗଲା, ପ୍ରଚାର ବେଳେ ମେଲୋଡି ହେଲା, ମାତ୍ର ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଚକୁ ଫେରାଉନ ବୋଲି କହି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରାଲିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଆମକୁ ପରମିସନ ମିଳୁନି। ଯୋଉ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ, ସେ କଳାକାରମାନେ ହୁଏତ କିଛି ପଇସା ପାଇଲେ, ସେ ପଇସା ପାଇଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 5,000 କଳାକାର ଅଛୁ, 10,000 କଳାକାର ଅଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ?
कलाकारों ही आंदोलन को समर्थन जनाई वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश राउतराय विधायक निजे धारणा स्थल में पहुंची सरकार कलाकार मानक दाबी पूरण करने को कहते तेणु सरकार को आम दाबी करूँ हे सरकार ए कल्चरल प्रोग्राम करने सुजोग दियो से जमती मेलोडी ड्रामा सांस्कृतिक कार्यक्रम सब चलता गाँ गहली टू सहर पर्यंत मेलन टू आरंभ कर जानी जात्रा टू कॉलेज यूनियन टू स्कूल फंक्शन टू गाँ गहली फंक्शन टू सबुटे मैंने जोग दौले सुजोग दियो तांकु फ्रीडम दियो राज्य रास्तारे कलाकार निजर मंच फेराई देबाकु सरकारंकु निवेदन करिछंती देखिबाकु बाकी रहिला सरकार सेमानंको दुख केबे सुनुछंती एवं कलाकारंको दाबी केबे पूर्ण होउछि। भुवनेश्वरु वीडियो जर्नलिस्ट संजीव को सह सुशांत साहूंको रिपोर्ट अर्गस न्यूज। सबरे कोरोना महामारी जोगु अनेक क्षेत्र में कटकणा एवं भी लगी रही है फल से सब क्षेत्र में थी लोके जीविका हर एभली स्थित से आर्थिक स्थिति ढेर दुर्बल हो पड़ी विशेषकर मेलोडी कलाकार मैंने कोरोना माड़ में बेहाल हो पड़ते तेणु से परिवार एवं अत्यंत दयनीय अवस्था दिन काटुंट एभली स्थित यही पेशा सह जड़ित कलाकार सरकारी सहायता प्रदान दावी करशा मेलोडी आसोसीएसन। पार्वण आसिले मनोरंजन रो भरपूर खोराक जोगाई थांती मेलोडी कलाकार हेले दीर्घ 8 रु 9 मास हेबो से माने कोरोना कटकणा जोगो हात बांधि बसछंती पर्व पर्वाणी हेउ बा विवाह बा कोनोसी उत्सव सबुथिरे से माने लोकंकु ढेर आनंद प्रदान करूथिले सुधा तांकर दुर्दशाकु ढेर बढ़ाई देछि कोरोना कारण लंबा समय धरी से माने निज वृत्ति को हराई बसछंती रोजगार नथिबारु अधिकांश कलाकार एवं सेमानक परिवार ढेर दुर्दिन रे दिन काटुछंती खाइबा पीबा खर्चटारु आरंभ करी पिलांक पाठ पढ़ा एवं औषध खर्च जोगाड़ करबा सेमानक पक्षरे कष्टकर व्यापार हो जाइछि। एभली परिस्थिति रे मेलोडी कलाकार मानंकु सेमानक कार्यक्रम परिवेशन करिवार सुजोग मिलु राज्य बाहर कलाकार मानंकु कार्यक्रम परिवेशन करिवार सुजोग मिलिलानी हेले एठारे सरकार अनुमति देउ नाहंती आउ केते दिन सेमाने दयनीय अवस्था रे दिन काटिबे विशेष करि छोटो छोटो कलाकार माने जे माने संपूर्ण रूपे एहाकु वृत्ति करिछंती सेमानंको चिंता अनेक अंश रे बढ़ी जाइछि तेणु सरकार एथिपाई अनुमति प्रदान करंतु बोली सेमाने दाबी करछंती। ओडिसा मेलोडी एसोसिएशन तरफ रु आमे समस्त कलाकार ओडिसा रे जते कलाकार समस्त आमे सरकारंको पाखरे एतिके अनुरोध करछु जमीती कि सब सेक्टर खोली गलानी प्राइवेट सेक्टर हो कि गवर्नमेंट सेक्टर हो जो गुड़िक खोली गलानी आउ सरकार गाइडलाइन अनुसार सब धीरे धीरे चलीजे से अनुसार प्रोब्स परमिशन दिया जाओ आउ सरकार गाइडलाइन जहाँ भी रहा आम पालन करने चेष्टा कर कलाकार किसी साहब आर्थिक साहय भी करोना जितेबाला स्टार्ट है 4-5 मस लकडाउन सटडाउन है समस्ते डरीगले तापर एबे धीरे धीरे सब खुली गला सब बजार दुकान सब खुली जाय छी डिस्टेंस मेंटेन करी कि बाहर हो स्टार्ट हो गलानी शो ओडिसा रही होनी तो सेटा हमर रिक्वेस्ट सरकार को जे जते जल्दी हबो एप्रेट नजर देले बंची जांदे कोला मेलोडी परिवेशन करूथिबा ओडिसा मेलोडी एसोसिएशन रा प्राय 350 रु ऊर्ध कलाकार गायकों ठार् आरंभ कर बाद्यकार नृत्यशिल्पी समस्ते हाथ बांधि बस कामधंदा नथिबारु सेमानंकर चिंता ढेर बढ़ी जाइछि दीर्घ समय कटकणा सेमानंकर आर्थिक मेरुदंड को संपूर्ण रूपे दोहलाई दैछि तेणु सरकार समस्त प्रकार नीति नियम करी सेमानंकु कार्यक्रम परिवेशन करिबाकु अनुमति दियंतु एवं किछि आर्थिक सहायता मध्य प्रदान करंतु बोली दाबी करिछि संघ अंड थर करिया को आमर दुखटा शुणे कौन अंड तो आम कौन दुख आम चल कमी देढ़ वर्ष आम पुणे आम डिपेंड करू गणेश पूजा को मैंने मेलोडी परमिशन देली भी आम आ मेलोडी आगे ना पूजा सरीगला
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଆମ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏକାମ୍ର କାନର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ଏକାମ୍ର କାନର ଅଧୀନରେ ଥିବା 20 ଏକର ଜମିରେ କୌଣସି କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ନ କରାଯାଉ, ଏକାମ୍ର କାନନର କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ନ କରାଯାଉ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହି ଜମିକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। କଟକର ଜଣେ ମହିଳା ସମାଜସେବୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ହୋଇଛି ଏହି ମାମଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର କାନନ ଲିଜ୍ ଦେବାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।